हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग क्लास 11th बायो का एक चैप्टर है बायो मॉलिक्यूल्स, उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं मोनोसैकेराइड्स स्टार्ट करूंगी। आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिए, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टार्ट किया था, वहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन को भी देखा था, और मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं मोनोसैकेराइड स्टार्ट करूंगी। तो आइए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में। ठीक है, तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए देखिए क्या लिखा है कि अ मोनोसैकेराइड इज अ मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बोला था ना, ये सबसे छोटा यूनिट है। सबसे छोटा यूनिट है मतलब बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट है मतलब मोनोमर है। तो कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर क्या है, बेसिक यूनिट क्या है, मोनोसैकेराइड। और जो सबसे छोटा है उसको फर्दर आप वाटर डाल के तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि दे आर सिंपलेस्ट सुगर, दे आर सिंपलेस्ट सुगर विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, कि इनको वाटर देकर तोड़ा नहीं जा सकता, इनकी हाइड्रोलाइसिस नहीं की जा सकती क्योंकि ये सबसे छोटे हैं। लेकिन हाँ बच्चों, इनको रेस्पिरेशन में ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड ही तो है ना बेटा, हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते ग्लूकोज का, लेकिन इसको रेस्पिरेशन में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं टू गेट एनर्जी। तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, लेकिन हाँ ऑक्सीडाइज जरूर हो सकते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि दे आर स्वीट इन टेस्ट एंड सॉल्यूबल इन वाटर। ये स्वीट इन टेस्ट एंड सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, तभी तो इनको शुगर बोलेंगे ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए क्या लिखा है कि इन देयर जनरलाइज्ड फॉर्मूला एक्स इज मोस्टली इक्वल टू वाई। देखिए समझिए, इस पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है तो एक पेज लेना होगा मुझे। देखिए, आपको अगर याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल फॉर्मूला बताया था, याद है क्या था वो फॉर्मूला, सी एक्स एच टू ओ वाई, यही था ना फॉर्मूला। अगर मोनोसैकेराइड के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, अगर मोनोसैकेराइड के लिए ये फॉर्मूला लगाना है ना बच्चों, तो यहाँ पर मोनोसैकेराइड में एक्स एंड वाई की वैल्यू मोस्टली सेम होती है, एक्स एंड वाई की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, अब एक्स एंड वाई की वैल्यू सेम होती है, इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर सेम। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है ग्लूकोज का एग्जाम्पल, इसी से मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6H12O6। तो देखिए ना, यहाँ पे जितने कार्बन उतने ऑक्सीजन है ना। देखिए यहाँ पे जो X है बच्चों, X क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे ग्लूकोज के केस में X क्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि मोनोसैकेराइड में एक्स जो है वो मोस्टली एक्स एंड वाई की वैल्यू सेम होती है, तो एक्स की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे वाई की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब इसको फॉर्मूला में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, C6H2O6। तो यहाँ पे देखिए जितने कार्बन उतने ऑक्सीजन है ना, और एक्स और वाई की वैल्यू भी सेम है ना। अब देखिए, अब आपको मैं एक और एग्जांपल से समझाती हूँ, राइबोज का एग्जांपल ले लेते हैं, राइबोज शुगर का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C5H10O5। इसको फॉर्मूला में रखिए तो क्या हो जाएगा, C5H2O5। तो देखिए जितने कार्बन उतने ऑक्सीजन है ना, और एक्स और वाई की वैल्यू भी क्या है, बराबर है। ठीक है, और आपको पता है बच्चों एक्स की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, एक्स की जो वैल्यू है वो जाती है 3 to 7। हम पढ़ेंगे आगे कि 3 कार्बन है तो मोनोसैकेराइड को बोलते हैं ट्रायोज, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, 7 है तो हेप्टोज। हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, जब पढ़ेंगे ना मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन, तो वहां पे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, तो वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ध्यान रख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू जो है वो कहां तक जाती है बच्चों, 3 to 7।
ठीक है। अब देखो कुछ एक्सेप्शन भी तो है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जैसे कि अगर हम बात करें डीऑक्सीराइबोज की, तो डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला क्या होता है, C5H10O4 होता है। राइबोज से एक ऑक्सीजन हटा दिया जाता है तब ना डीऑक्सीराइबोज बनता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O4 हो जाएगा। तो अब आप, सॉरी बच्चों वो लाइट चली गई थी, तो हम डीऑक्सीराइबोज की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि क्या कार्बन एंड ऑक्सीजन का नंबर सेम है, सेम नंबर ऑफ एटम है कार्बन एंड ऑक्सीजन के, नहीं है, और एक्स और वाई की वैल्यू भी सेम नहीं है डीऑक्सीराइबोज के लिए, तो ये एक्सेप्शन है। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड में एक्स एंड वाई की वैल्यू सेम होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यही यहाँ पे देखो आप लिखा है कि इन देयर जनरलाइज्ड फॉर्मूला एक्स इज मोस्टली इक्वल टू वाई, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर सेम, और यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है जो कि अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको आगे कर लेती हूँ, हाँ जी, हाँ बच्चों, तो वो मैंने पेज एडजस्ट कर लिया है। अब देखिए क्या लिखा है, ऑल मोनोसैकेराइड्स अकर इन स्मॉल डी और स्मॉल एल फॉर्म, स्मॉल डी स्मॉल एल, अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, स्मॉल डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल एल मतलब लीवो रोटेटरी, इसी को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हो ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी को। तो क्या है कि ऑल मोनोसैकेराइड्स अकर इन स्मॉल डी और स्मॉल एल फॉर्म, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे या लीवो रोटेटरी होंगे, एक्सेप्ट द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़कर जितने भी मोनोसैकेराइड हैं सब या तो स्मॉल डी होगा कोई मोनोसैकेराइड या स्मॉल एल होगा, मतलब या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो रोटेटरी होगा। लेकिन एक मोनोसैकेराइड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है मतलब ना स्मॉल डी फॉर्म में मिलेगा ना स्मॉल एल फॉर्म में मिलेगा, क्यों, बिकॉज काइरल कार्बन इज एब्सेंट इन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में काइरल कार्बन नहीं होता, इसीलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब ना तो वो डेक्स्ट्रो होगा ना तो लीवो रोटेटरी होगा। अब है कि काइरल कार्बन क्या होता है, तो आओ बच्चों समझते हैं। देखिए बच्चों, ये यहाँ पे ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ये क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, और ये यहाँ पे क्या है बच्चों, ये है ग्लिसरेल्डिहाइड। बच्चों जो सबसे छोटा मोनोसैकेराइड होता है उसमें तीन कार्बन होता है, तो ये दोनों तीन कार्बन वाले मोनोसैकेराइड है, सबसे छोटे मोनोसैकेराइड है। लेकिन जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या है, तीन कार्बन वाला मोनोसैकेराइड जिसमें कीटोन ग्रुप है। ग्लिसरेल्डिहाइड क्या है, तीन कार्बन वाला मोनोसैकेराइड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। इसको आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड में हम पढ़ेंगे, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, एल्डोज, कीटोज, इन सबको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम तो काइरल कार्बन की बात कर रहे थे, है ना। फिर से देख लो बच्चों, ये क्या है, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर है, ये ग्लिसरेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, दोनों तीन कार्बन वाले मोनोसैकेराइड है, सबसे छोटे मोनोसैकेराइड है। लेकिन जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है वो क्या है, वो तीन कार्बन वाला मोनोसैकेराइड है जिसमें कीटोन ग्रुप है, और जो ग्लिसरेल्डिहाइड है ये भी तीन कार्बन वाला मोनोसैकेराइड है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। इसको आगे हम और डिटेल में समझेंगे, तो हम काइरल कार्बन की बात कर रहे थे। तो देखो बच्चों, काइरल कार्बन बच्चों उस कार्बन एटम को काइरल कार्बन बोलेंगे जो चार अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हो, मतलब उसकी चार जो वैलेंसी है चार अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई की जा रही है। आइए बच्चों इसको देखते हैं, यहाँ पे देखो ये ग्लिसरेल्डिहाइड है, आइए देखते हैं ग्लिसरेल्डिहाइड में काइरल कार्बन है क्या, तो हाँ है ना, इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन को देखो, ये एक तरफ CHO से जुड़ा है, एक तरफ H से जुड़ा है, एक तरफ OH से जुड़ा है, एक तरफ CH2OH से जुड़ा है, तो चार अलग अलग तरह के ग्रुप से जुड़ा है, तो ये काइरल कार्बन है। तो ग्लिसरेल्डिहाइड में काइरल कार्बन है, ग्लिसरेल्डिहाइड में एक काइरल कार्बन होता है बच्चों, ठीक है, ये है, स्टार मार्क लगा दिया है, तो ग्लिसरेल्डिहाइड में एक काइरल कार्बन है। अब अगर हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की बात करें, तो अभी मैंने आपसे कहा कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में काइरल कार्बन नहीं होते हैं, तो आइए देखते हैं। अगर आप इस कार्बन को देखें, तो देखिए
ये एक तरफ जुड़ा है CH2OH से, दूसरी तरफ O से और तीसरी तरफ CH2OH से। तो क्या ये कार्बन चार अलग अलग तरह के ग्रुप से जुड़ा है क्या? नहीं, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन में कायरल कार्बन नहीं होता है बच्चों, ठीक है, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन में कायरल कार्बन नहीं होता है। तो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन में कायरल कार्बन नहीं होता है, और क्योंकि कायरल कार्बन नहीं होता है इसीलिए ये ना तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ना तो लीवो रोटेटरी होता है। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी ना होना मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ग्लिसरेल्डिहाइड में कायरल कार्बन है इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर किसी मोनोसेक्राइड में कायरल कार्बन है तभी वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी होगा, तभी वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी होगा, ठीक है। अब सवाल आई कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी किसे कह रहे हो? ऐसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन देखो जो मोनोसेकेराइड या जो मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ रोटेट कर दे उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल डी या प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दे उसे लीवो रोटेटरी कहते हैं, स्मॉल एल या माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे आप पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ते भी हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब मैं थोड़ा सा पेज ऊपर कर लेती हूँ। हाँ जी बच्चों, तो अब देखिए, अब है कैपिटल डी सुगर एंड कैपिटल एल सुगर। अब बच्चे बोलते हैं अभी तो पढ़ाया डी और एल, तो देखो बच्चों अभी हम स्मॉल डी एंड स्मॉल एल पढ़ रहे थे। स्मॉल डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ घुमाए, स्मॉल एल मतलब लीवो रोटेटरी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ घुमाए। तो स्मॉल डी और स्मॉल एल डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी थे, कैपिटल डी और कैपिटल एल हैज नथिंग टू डू विथ डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। स्मॉल डी स्मॉल एल से कोई लेना देना नहीं है। तो भैया ये कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या है? तो देखो ना क्या है, लिखा भी है तो है, देखिए क्या लिखा है। द सुगर्स आर डिवाइडेड इंटू टू फैमिलीज, सुगर्स को दो फैमिलीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, द कैपिटल डी फैमिली एंड कैपिटल एल फैमिली, कैपिटल डी फैमिली एंड कैपिटल एल फैमिली में किस बेसिस पे? तो देखिए क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिंपलेस्ट, ये एस है बच्चों, ठीक है, ये टी है, सिंपलेस्ट सुगर ग्लिसरेल्डिहाइड, सबसे छोटा मोनोसेक्राइड एल्डिहाइड वाला कौन था? ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है, विच वॉज टेकन एज स्टैंडर्ड डेट एग्जिस्ट इन टू इनेंसियोमेरिक फॉर्म। मतलब ग्लिसरेल्डिहाइड को स्टैंडर्ड लिया गया था, ठीक है, डेट एग्जिस्ट इन टू इनेंसियोमेरिक फॉर्म। इनेंसियोमेरिक फॉर्म मतलब आइसोमर है और एक दूसरे के मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, ये इनेंसियोमर है, एज सोन इन द नेक्स्ट पेज, हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कहा कि जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं या जो सुगर हैं उन्हें हम कैपिटल डी सुगर और कैपिटल एल सुगर में डिवाइड करते हैं किसके बेसिस पर? तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लिसरेल्डिहाइड, सबसे छोटा मोनोसेक्राइड व्हिच वाज टेकन एज द स्टैंडर्ड, ठीक है। और ग्लिसरेल्डिहाइड खुद दो फॉर्म में पाया जाता है, कैपिटल डी ग्लिसरेल्डिहाइड और कैपिटल एल ग्लिसरेल्डिहाइड, और कैपिटल डी ग्लिसरेल्डिहाइड और कैपिटल एल ग्लिसरेल्डिहाइड एक दूसरे के मिरर इमेज है, मतलब इनेंसियोमर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ये पेज तो हो गया मेरा कंप्लीट। हाँ जी बच्चों, तो मैंने पेज चेंज कर लिया है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये ग्लिसरेल्डिहाइड है, ठीक है, देखिए ना CHO CHOH CH2OH, ये क्या है, ये ग्लिसरेल्डिहाइड है। अब इसका मिरर इमेज बना लो इधर, ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हो गया CHO C, इसमें देखो OH इधर है H इधर है और ये मिरर इमेज है, तो इसमें क्या होगा OH उधर हो जाएगा और H इधर हो जाएगा, ठीक है, और ये CH2OH, तो ये दोनों ग्लिसरेल्डिहाइड है, एक दूसरे के मिरर इमेज है, ठीक है, दोनों ग्लिसरेल्डिहाइड है। तो अब किसको कैपिटल डी ग्लिसरेल्डिहाइड कहेंगे और किसको कैपिटल एल ग्लिसरेल्डिहाइड कहेंगे? तो देखिए बच्चों इसके लिए देखना होता है लोएस्ट कायरल कार्बन। अब यहां पे तो एक ही कायरल कार्बन है, ये देखो स्टार मार्क लगा दिया, ग्लिसरेल्डिहाइड में तो एक ही कायरल
कायरल कार्बन है, ये वाला कायरल कार्बन है, तो इसे ही देख लो। लेकिन जब बड़े मोनोसेक्राइड लोगे, जैसे कि ग्लूकोज लोगे, तो उसमें तो कई कायरल कार्बन होंगे, तो उनमें लोएस्ट कायरल कार्बन देखना है। यहाँ पे तो एक ही कायरल कार्बन है, तो इसी एक को देख लो। ठीक है बच्चों, तो अगर लोएस्ट कायरल कार्बन पर, ध्यान से, अगर लोएस्ट कायरल कार्बन पर OH राइट साइड पर है, तो कहेंगे कैपिटल डी ग्लिसरल्डिहाइड। देखिए लिखा भी है OH ग्रुप ऑन द राइट साइड ऑफ लोएस्ट कायरल कार्बन। अगर लोएस्ट कायरल कार्बन पर OH राइट साइड में है, तो कहेंगे कैपिटल डी ग्लिसरल्डिहाइड। और अगर लोएस्ट कायरल कार्बन पर जो OH है वो लेफ्ट साइड पे है, तो कहेंगे कैपिटल एल ग्लिसरल्डिहाइड। देखो लिखा भी है OH ग्रुप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लोएस्ट कायरल कार्बन। ठीक है, तो कैपिटल डी और कैपिटल एल ग्लिसरल्डिहाइड एक दूसरे के मिरर इमेज है। और कैपिटल डी और कैपिटल एल का क्या मतलब है कि लोएस्ट कायरल कार्बन पर अगर OH राइट पर है तो कैपिटल डी शुगर, और अगर लेफ्ट पर है तो कैपिटल एल शुगर। तो समझ में आया, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल ग्लिसरल्डिहाइड एक दूसरे के मिरर इमेज है। ठीक है, अब देखियो आगे क्या लिखा है, थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। हाँ जी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, समझिए। द सुगर्स हैविंग द सेम कन्फिगरेशन एज ऑफ डी ग्लिसरल्डिहाइड एट द लोएस्ट कायरल कार्बन आर डेजिग्नेटेड एज डी सुगर्स, एंड दोज हैविंग कन्फिगरेशन एज एल ग्लिसरल्डिहाइड आर डेजिग्नेटेड एज एल सुगर्स। देखिए समझिए, कोई भी सुगर जिसके लोएस्ट कायरल कार्बन पर OH की पोजीशन या कन्फिग्रेशन कैपिटल डी ग्लिसरल्डिहाइड जैसा हो, उसे कैपिटल डी शुगर बोलेंगे। और जिस शुगर का कैपिटल एल ग्लिसरल्डिहाइड से कन्फिग्रेशन मैच कर रहा है लोएस्ट कायरल कार्बन पर, उसे कैपिटल एल शुगर बोलेंगे। ठीक है, देखो इतनी मगजमारी छोड़ो, आपको तो सीधा याद रखना है कि लोएस्ट कायरल कार्बन पर OH अगर राइट पर है तो कैपिटल डी शुगर, और OH अगर लोएस्ट कायरल कार्बन पर लेफ्ट पर है तो कैपिटल एल शुगर। यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स भी लिखे हैं, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। देखो बच्चों, जैसे कि ग्लूकोज में अगर आपको देखना है डी एंड एल, तो लोएस्ट ग्लूकोज में तो एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि कितना कायरल कार्बन है, तभी आपको पता चलेगा कि लोएस्ट कायरल कार्बन कौन है। तो आपको लोएस्ट कायरल कार्बन पर देखना होगा, अगर लोएस्ट कायरल कार्बन पर OH राइट साइड पे है तो कैपिटल डी ग्लूकोज हो जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड पे है तो कैपिटल एल ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था कैपिटल डी और कैपिटल एल शुगर। और आपको याद रखना है कि कैपिटल डी एंड कैपिटल एल हैज नथिंग टू डू विथ स्मॉल डी एल। स्मॉल डी एल प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेशन का डायरेक्शन बताता है। स्मॉल डी और स्मॉल एल डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीबो रोटेटरी प्लेन पोलराइज लाइट किधर को घुमाया वो बताता है। और कैपिटल डी और कैपिटल एल शुगर क्या बताता है कि लोएस्ट कायरल कार्बन पर कन्फिग्रेशन किससे मैच हो रहा है, कैपिटल डी ग्लिसरल्डिहाइड से मैच हो रहा है कि कैपिटल एल ग्लिसरल्डिहाइड से मैच हो रहा है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।